आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। सबसे अच्छी बात मुझे आपकी लगती है कि जब आप किसी रेमेडी का पॉजिटिव असर देखते हैं तो मुझे मेल करते हैं, इससे मुझे पता चलता है कि किस उपाय का आप पर किस इंटेंसिटी का असर हो रहा है। मुझे लगातार फीडबैक देते रहें ताकि मैं और स्ट्रांग उपाय आपके लिए लेकर आती रहूं। तो आज हम किस किस बारे में बात करेंगे, चलिए नजर डालते हैं। भगवान शिव के रूप से जाने जीवन जीने का बेहतर तरीका। मेहनत और ईमानदारी से काम करने के बाद भी अगर आपको तरक्की नहीं मिलती, ग्रोथ नहीं मिलती, तो जॉब में प्रमोशन के अचूक उपाय। शादी नहीं हो रही या मनपसंद जीवन साथी नहीं मिल पा रहा, घर के वास्तु में करिए सुधार और बनाइए अपनी जोड़ी मजबूत। घर की छोटी छोटी चीजें आपको बना सकती हैं बेहद खूबसूरत। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने कल को बनाएं और सुधारें। जब आपकी मेल्स आती हैं तो समझ में आता है कि जॉब में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, काम आप करते हैं क्रेडिट कोई और ले जाता है, आपको सिवाय वाहवाही के कुछ नहीं मिलता। जब प्रमोशन की बात आती है तो अगली बार के लिए टल जाती है। क्यों होता है आपके साथ ऐसा, और अगर हमें वजह पता चल जाए तो क्या हम इसको सुधार सकते हैं? ये सारी बातें आपसे करूंगी, पर इससे पहले शिव जी के रूप से मैं आपको बताती हूँ जीवन जीने का सही तरीका। भगवान शिव के रूप से हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या हम जीवन जीने का तरीका भी सीख सकते हैं? भगवान शिव के रूप से आखिर आपको क्या सीखना है, आप कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, चलिए जानते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख जो यहाँ पर होती है सिग्निफाई करती है मन की आंखों से देखने को। हमें ये सीख मिलती है कि जो हो रहा है उससे आगे दूर की सोचें और उसको हासिल करने की कोशिश करें, यानी कि टारगेट ओरिएंटेड रहें और साथ में अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल होता है। त्रिशूल सिग्निफाई करता है आपके अंदर के तीन गुणों को, सतव, तमस और रजस गुण को। अगर आप अपने अंदर के इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, मन और बुद्धि को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो अपने अहंकार को अपने हिसाब से चलाना सीख जाते हैं, तो आप कभी जिंदगी में किसी भी चीज से हारते नहीं हैं। इसी तरीके से उनके हाथ में डमरू दर्शाता है इच्छाओं से मुक्ति पाने को। डमरू का मतलब ये है कि आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग करें, इससे आप बेवजह की अपनी जो छोटी छोटी डिजायर्स हैं जिनकी वजह से आप परेशान होते हैं उससे मुक्ति पा सकेंगे। शिव के सिर से गंगा बहती है, उनके बालों से गंगा बहती है, जो इस चीज का प्रतीक है कि आप अज्ञानता के मतलब अपनी इग्नोरेंस को खत्म करें, सही ज्ञान पाने की पूरी पूरी कोशिश करें, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी लाइफ बेटर बनेगी। तो देखिए, जो शिव जी का रूप भी है, जो रूप क्रिएट किया गया है, जो रूप उनका है, वो रूप भी कितनी चीजों को सिग्निफाई करता है जिससे हमें सीखने की, हमें धारने की जरूरत है। आज से आपकी राशि की बात करते हैं, चलिए आपके कल को बनाते हैं। पर इससे पहले जो जॉब आपको तंग कर रही है, जिस जॉब में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, क्या कर सकते हैं हम प्रमोशन लाने के लिए, चलिए बात करते हैं। जॉब में अगर प्रमोशन आ रही है, आपका क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, कब से आपका प्रमोशन रुका हुआ है, तो इन चीजों को, इन परेशानियों को हम कैसे दूर करें, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले आप प्रमोशन के लिए क्या करें कि तिल के तेल को एक कटोरे में रख दें। तिल का तेल लिया, कटोरे में रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद उसमें अपना चेहरा देखा। जब चेहरा देखना है तो पलके नहीं झपकानी है, चेहरा देखकर फिर वो तेल किसी जरूरतमंद को दान में दे दें। ऐसा अगर आप करते हैं कुछ दिन लगातार, तो जो सैटर्न शनि ग्रह है जो रुकावटें लाता है, काम मेहनत कराता है, रिजल्ट देर से देता है, वो शांत हो जाएगा। आप एक काम और कर सकते हैं, संडे को गाय को, काऊ को दोपहर में आप दोनों हाथों से गेहूं भरकर खिलाएं, इससे आपका सन स्ट्रांग होगा, आपका बॉस आपके हिसाब से चलेगा। एक काम और कीजिए, चांदी की कोई भी चीज और थोड़ी सी सौंफ लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम में रखें, अपने ऑफिस के ड्रॉअर में भी रख सकते हैं, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, अपने लिए आप फाइट कर पाएंगे। और अपने घर में रेड कलर के फ्लावर्स वाला पौधा साउथ डायरेक्शन में रखें, आपका प्रमोशन जल्द हो जाएगा। और वेंसडे को मंदिर जाकर गणेश जी को मूंग के लड्डू ऑफर करें, ताकि विघ्नहर्ता आपकी विघ्नों को दूर करें। और वेंसडे इसलिए क्योंकि बुध मरकरी ग्रह
वेंसडे का दिन होता है जो कि आपको कम्युनिकेशन से फायदा दिलाता है। और आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप थर्सडे को येलो कलर की चीजें जैसे केले, केसर वाली मिठाई, पीले रंग के कपड़े, इनका दान करें और काऊ को गुड़ और चने खिलाएं। कई बार मैंने इस चीज से भी लोगों को प्रमोशन होते हुए देखा है। अपने पास वाइट चंदन रखें या सफेद चंदन की माला। आप पहले माला मैंने ही सजेस्ट करूंगी कि कहाँ पहनेंगे, गली में दिखती है, 10 लोग सवाल पूछते हैं, छोड़िए। इतना सा सफेद चंदन का पीस रख लीजिए, अगर राहु अर्चन दे रहा है तो सॉल्व हो जाएगी। और वैसे भी चंदन रखना तो अच्छा ही है। शर्त मंगनी और पट शादी के लिए क्या हम कोई उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर इससे पहले बात करेंगे आपकी राशि की। मेष राशि के लोग दाएं हाथ में घड़ी पहने, आपके बिजनेस डिसीजन ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 2:47 PM। वृषभ राशि के लोग ब्लैक शूज नहीं पहने, अगर पहनेंगे तो आपका कोई ना कोई काम लटक जाएगा। कुछ नहीं तो अंदर व्हाइट सॉक्स पहन लीजिए, मैचिंग नहीं है पर कोई बात नहीं। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 12:28 PM। मिथुन राशि के लोग परफ्यूम लगाकर घर से निकलें, लेकिन कहाँ, नेक के पीछे परफ्यूम लगाइए, आपको गुड न्यूज मिलेगी। लकी टाइम इवनिंग 6:44 PM। और कर्क राशि के लोग पर्स में रेड कपड़े में राई बांधें और उसको किसी मंदिर के बाहर छोड़ आएं, सारी मुसीबतें वहीं छूट जाएंगी। और आपका लकी टाइम इवनिंग 6:48 PM। ऐसा भी पता चलता है, आप ही लोगों से पता चला कि लड़कियां शादी के बाद बहुत ज्यादा दुखी हैं। पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों की खुशी के लिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी बेटी सुखी रहे इसलिए आप क्या कर सकते हैं, लेकिन सुख की बात तो हम तब करेंगे ना जब शादी हो जाएगी। तो चलिए पहले शादी के उपाय की बात करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि शादी और शादी के बाद लाइफ में आपको अचानक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसे लगता है उफ, तभी तो कहा गया ना ये ऐसा लड्डू है जिसे खाओ तो भी पछताओ और नहीं खाओ तो भी पछताओ। पर अगर अब शादी हो ही नहीं रही है तो आखिर तो करनी है ना। सोसाइटी इतना तंग कर देती है, लोग ही पूछते रहते हैं अरे क्या हुआ, आपकी बेटी की शादी नहीं हुई, क्या हुआ, कोई पसंद आ गया है। इतनी टॉर्चरिंग सिचुएशन हो जाती है। ऐसे में आप क्या करें कि आपके घर में भी शहनाई गूंजे, चलिए जानते हैं। अनमैरिड गर्ल्स को अगर घर पर रहने के लिए आप साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन देंगे तो उनकी शादी में प्रॉब्लम आ जाएगी। उनके शादी के रिश्ते आएंगे भी तो बंद हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? आपके घर में हर डायरेक्शन में अलग अलग देवताओं का वास होता है। हर डायरेक्शन के अपने अपने रोल, अपने अपने सिग्निफिकेंस है। जैसे आपके हाथ का काम है खाना खाना, पैर से तो नहीं खाना खा सकते, इसी तरीके से हर डायरेक्शन का अपना अपना रोल है। घर में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो पावरफुल डायरेक्शन है, वो पितरों की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है जहाँ पर आप घर के सुपीरियर, घर के हेड को बिठाते हैं। अब अगर घर की अनमैरिड लड़की साउथ में या साउथ वेस्ट में रहेगी तो वो घर की हेड हो जाएगी। और ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे मैग्नेटिक पुल है। जैसे घर के हेड को चिंता होती है, वो 5 दिन ट्रिप पर जाते हैं बाहर तो उनको लगता है अरे घर में क्या हो रहा होगा, चलो घर वापस चलो, चलो घर वापस चलो। घर के बड़े ऐसे ही होते हैं ना। तो साउथ वेस्ट में जो भी इंसान सोएगा और रहेगा या साउथ में रहेगा और सोएगा, वो जगह उस इंसान को खींचेगी। तो अब अगर अनमैरिड लड़की को साउथ वेस्ट में या साउथ में सुला देंगे तो फिर उसको वो एनर्जी खींचेगी तो उसकी शादी कैसे होगी। ऐसे में आप उसकी डायरेक्शन सोने की नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट करें जो कि एयरी डायरेक्शन है, ताकि अच्छे रिश्ते आए और वो शादी करके जाए। और अगर आपका बेटा बाहर पढ़ने जाना चाहता है, ये कंटेक्स्ट शादी का नहीं है पर क्योंकि बात से बात कर रही हूँ तो पूरी बात कर देती हूँ। अगर आपका बेटा बाहर पढ़ने जाना चाहता है और उसका वीजा नहीं लग रहा या उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो देखिए आपने अपने बेटे को साउथ या साउथ वेस्ट में अगर घर में सुला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो कैसे जाएगा? फिर वही मैग्नेटिक पुल काम करेगा। तो बेटे को भी नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ में अगर रखते हैं तो उसका भी बाहर जाने का योग बन जाएगा। इसी तरीके से लड़की, जो मैरिजेबल लड़की का जो बेडरूम होता है उसको, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा एक जरूरी बात यह है कि आप नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो कि अट्रैक्शन की डायरेक्शन है, वहां पर अपनी बेटी की फोटो लगाइए ताकि लोग आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आ जाए, उसको मांगने आ जाए।
आप सेम चीज अपने बेटे के लिए भी कर सकते हैं अगर उसकी शादी नहीं भी हो रही है तो। अगर बार बार आपके बच्चों का रिश्ता रिजेक्ट हो रहा है, आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जब आपके रिश्ते के लिए लड़के वाली फैमिली या लड़की वाली फैमिली आपके घर आती है तो उन्हें इस तरह से बिठाएं कि वो घर के अंदर को देख सकें। उनका चेहरा किसी भी दरवाजे, स्पेशली मेन दरवाजे की तरफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रिश्ता होगा ही नहीं। जब हम कई बार किसी के साथ रहते हैं तो उनका लक भी हम पर आ जाता है। जैसे कई बार बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या आप हॉस्टल में जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, हैं कोई रूममेट है, कोई भाई बहन है ना, ऐसे में एक मैरिड है और एक अनमैरिड है और अनमैरिड वाले की शादी नहीं हो रही है तो उसको दरवाजे की तरफ वाली साइड रखें तो इससे दूसरे का लक आपके ऊपर भारी नहीं होगा। एक सिचुएशन और भी होती है इस तरीके से कि जिन लोगों की शादी होती है, इस चीज का आप ध्यान दें, जिन लोगों की शादी नहीं होती है इन लोगों के बेडरूम में साउथ वेस्ट कोने में आप हम ये कह सकते हैं कि रेड फूलों वाला एक पौधा लगा दें, एक पेंटिंग लगा दें जिससे इनको अच्छे रिश्ते आए, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों। भगवान ना करे लेकिन अगर आपके आसपास में आपकी फैमिली में किसी को किडनी की तकलीफ है तो आज मैं उसके लिए होम रेमेडी बताती हूँ। पर पहले आपकी बेटी के सुख की बात करते हैं। बेटी की मैरिड लाइफ में सुख शांति हो, बेटी की मैरिड लाइफ अच्छी रहे, इसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? फादर अपनी बेटी को दो पुड़ियां दे जिसमें थोड़ा सा केसर हो और थोड़ी सी हल्दी बंदी हो, ये गिफ्ट कर दें। इससे आपकी बेटी की अपनी फैमिली में सोशल स्टैंडिंग बढ़ेगी। फिर वो जो आपने अपनी बेटी को पुड़िया दिया केसर का और हल्दी का, थर्सडे के दिन बेटी को कहें कि एक पुड़िया पानी में बहा दे या राधा कृष्ण के मंदिर में चढ़ा दे, दोनों में से एक चीज करनी है, और प्रार्थना करे दूसरी पुड़िया अपने पास रख ले। आपकी बेटी की मैरिड लाइफ में सुख शांति बढ़ने लगेगी। मैं आपको समझाती हूँ क्लियरली। दो पुड़िया लेनी है, एक पुड़िया में मिक्स करना है केसर हल्दी, दूसरी पुड़िया में भी केसर हल्दी मिक्स करनी है। एक पैकेट को या राधा कृष्ण जी के आगे रख देंगे या बहा देंगे, दूसरे को अपने सेफ में या अपने बेडरूम में साउथ वेस्ट में रख लेंगे और मैरिड लाइफ बेटर होने लगेगी। अगर सुबह उठते ही आपकी आईज सूज जाती हैं तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं आपको बताऊंगी, पर इससे पहले आपकी किडनी की बात करते हैं। अगर किडनी में स्टोन है तो एक होम रेमेडी लिख लीजिए, काम आएगी, आगे भी शेयर कीजिएगा। रात को 50 ग्राम चने की दाल लें और पानी में भिगो दें। सुबह अपनी इच्छा के हिसाब से इसमें हनी मिलाएं और खाली पेट खाएं। धीरे धीरे आपका जो किडनी में स्टोन है, जो पथरी है, वो गलने लगेगी और इसके साथ ही दवाई और डॉक्टर का सजेशन साथ साथ जरूर लें। आपकी राशि की बात करते हैं, चलिए आपके दिन को संवारते हैं। पर उससे पहले ये जो आपकी आंखों में स्वेलिंग हो जाती है इसका हम क्या करें? कई बार ज्यादा कंप्यूटर के आगे काम करने से, नींद नहीं पूरी होने से, धूल मिट्टी के कारण आंखों में स्वेलिंग आ जाती है। ऐसे में आप क्या करें? आप दो गाजर बॉईल कर लें, इन्हें ठंडा कर पीस लें, इसे बंद आंख पर रख दीजिए, दिन में एक बार ऐसा करें, स्वेलिंग गायब। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करने का सोच रहे हैं, कोई और आसपास में है तो उन्हें बताएं कि वो हेल्दी बेबी के लिए क्या करें, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ। पर इससे पहले चलिए आपकी राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग मिश्री खाकर घर से निकलें, मुंह मीठा होगा, अच्छी न्यूज मिलेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 3:45 PM। कन्या राशि के लोग वर्गोस, घर से बाहर जाने से पहले मीठा खाएं और कुछ मीठा किसी जरूरतमंद को जरूर दें, आपका रुका हुआ काम बनेगा। लकी टाइम इवनिंग 5:49 PM। तुला राशि के लोग लिब्रंस, पानी में रोज की पेट्रोल डालकर नहाएं, बल्कि अगर एक से पानी भी पी लेते हैं आपका वीनस स्ट्रांग होगा, लोग आपका फायदा करा कर जाएंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 1:38 PM। और वृश्चिक राशि वाले लोग माथे पर केसर का तिलक लगाएंगे, अपनी चीजों का सोल्यूशन आप खुद निकाल लेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 3:50 PM। वक्त अगर आपके अंदर डर है तो चलिए इस डर को दूर फेंकते हैं, बताऊंगी कैसे। पर इससे पहले हेल्दी बेबी के लिए प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या करें? हेल्दी बेबी के लिए आप प्रेग्नेंट हैं तो फ्राइडे को जो प्रेग्नेंट फीमेल है, चने के आटे की दो रोटी बनाएं, चने के आटे की दो रोटी बनाएं
और सूखी सब्जी बनाएं। उन्हें घर पर घी लगाकर उन दोनों के बीच में कोई सूखी सब्जी रख दें, एक चपाती, घी लगी हुई सब्जी, फिर एक चपाती। फिर हस्बैंड वाइफ दोनों ही ये रोटियां किसी गरीब को खिला दें, साथ ही कुछ पैसे भी दे दें। आपका बेबी हेल्दी रहेगा, मतलब आपको नजर नहीं लगेगी, ऐसा समझिए। चलिए आज की खूबसूरती की बात करते हैं, बताती हूँ आपको क्या करना है। पर उससे पहले ये जो डर है ना आपके अंदर, इसको दूर फेंकने का मंत्र बताती हूँ। डर दूर करने का मंत्र लिख लीजिए, धीरे धीरे बोल रही हूँ। मंत्र है ऋषिकेशम भयेषु च। इस मंत्र की रोज एक माला की जाप करने से आपके अंदर का डर दूर होता है। बच्चा छोटा है, रात को डर कर उठता है, तो उसके पिलो के अंदर मंत्र लिखकर गोल्डन पेन से पर्ची डाल दीजिए, वो डरना बंद कर देगा। लास्ट की आपकी राशियों की बात करेंगे, आपके दिन को भी लकी करेंगे। पर उससे पहले बालों को लंबा और घना बनाने के उपाय जानते हैं। आप शीकाकाई और सूखे आंवलों को 25-25 ग्राम्स लेकर थोड़ा सा कूट लें, इसके टुकड़े कर लें। अब इन टुकड़ों को 500 ग्राम्स पानी में रात को डालकर भिगो दें। सुबह इस पानी को कपड़े के साथ मसल कर छान लें। इससे अपने हेड में अच्छे से मसाज करें। 20 मिनट्स के बाद नहा लें। इस तरह शीकाकाई और आंवले का अगर आप अपने बालों पर यूजेज करते हैं तो आपके बाल टूटेंगे भी नहीं और घने और लंबे भी होंगे। आप इस चीज को और पावरफुल बना सकते हैं, बाल धोने के बाद अगर आप अपने सिर पर कोकोनट ऑयल भी लगा लेते हैं तो इससे आपके बाल शाइनी और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। चलिए आपको बताती हूँ कि अपनी जिंदगी से स्ट्रेस को बाय बाय करने के लिए हम क्या करें। नहीं, पर इससे पहले आपकी राशि की बात करते हैं। सैजिटेरियंस धनु राशि के लोग पर्स में, जेब में या गाड़ी में कोई पीतल की चीज रखें, आपका लक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:50 PM। मकर राशि के लोग क्या करें? कैप्रिकॉर्न राशि वाले लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करें, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी दिन भर की। और आपका लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM। एक्वेरियंस कुंभ राशि के लोग फ्रेंड्स की बात माने, उन्हें ट्रीट दें, मार्स स्ट्रॉन्ग होगा, आपको फायदा होगा। लकी टाइम इवनिंग 5:52 PM। मीन राशि के लोग किसी को उधार नहीं दें, आज क्रेडिट पर पेमेंट दे भी नहीं, मतलब कोई माल नहीं बेचना जिसकी क्रेडिट अगेंस्ट पेमेंट मिलती है, नहीं तो डिलेज होंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 1:50 PM। अपने मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ। पर इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है वो तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। करना क्या है, अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, मुझे भेज दीजिए और हम उसका हल निकाल लेंगे। लेकिन हाँ, बर्थ डिटेल्स के साथ भेजिएगा। बर्थ डिटेल्स नहीं है कोई बात नहीं, चेहरा, हाथ और हैंडराइटिंग तो है, वही भेज दीजिए। आज हम देहरादून से नीना का सवाल लेते हैं। उनको हर कोई डराता है, वो ये मानती है उनकी कुंडली अच्छी नहीं है, उनको कहीं खुशी नहीं है, जॉब में खुशी नहीं है, अच्छी मैरिड लाइफ की उम्मीद नहीं है, खुश नहीं है। नीना से बात करते हैं। आपको किसने कहा आपकी कुंडली अच्छी नहीं है? इस तरीके के वहम अपने दिमाग में ना रखें। दोनों हाथ में चांदी के कड़े पहने जिसमें कॉपर का कील हो, वो वेल्डिंग करके ज्वेलर्स बना देते हैं। बस इतना सा कर लीजिए, आप नॉर्मल हो जाएंगी, जिंदगी में खुशी भी आ जाएगी। चलिए आपकी मेंटल स्ट्रेस को दूर कर देते हैं। अगर आप नीना की जगह पे नहीं है पर आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस है, इसको दूर करने का तरीका जानते हैं। मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए मंदिर शाम को मंदिर जाएं, शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें, और सावन के महीने में तो क्या बात, जरूर करें। साथ ही बेलपत्र और सफेद फूल चढ़ाएं, धूप बत्ती भी करें और शिव जी से प्रार्थना करें, और बेलपत्र के ऊपर लिख दीजिए स्ट्रेस, लिखकर वहीं छोड़ आइए, और रात को चंद्रमा को नमस्कार करें। ऐसा 5 सोमवार कर लें सावन से शुरुआत कर। आपका मेंटल स्ट्रेस कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर कल की बात करते हैं। कल आपको बताऊंगी सावन में हम शिव जी को कैसे खुश कर सकते हैं। साथ ही आपको बताऊंगी कि फेम के लिए
पैसे के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और आपको बताऊंगी चेहरे के पीछे के राज, ढेर सारी बातें कल। तो इसी समय मैं आपका इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।